जय माता दी। दोस्तों हम लोग अभी जा रहे थे खुड़द मातेश्वरी के दर्शन करने, तो छोटी खाटू से जब हम निकल रहे थे रोड के साइड में हमने देखा कि एक पहाड़ी पे छोटा सा मंदिर दिखाई दिया हमें। पहाड़ी काफ़ी ऊपर थी तो हमने किसी से पूछा कि भाई ये मंदिर किसका है, तो हमें किसी ने बताया कि ये तो माँ करण जी का मंदिर है। तो हमने सोचा कि ये मंदिर भी बहुत ऊपर है, पहाड़ी पे है और शानदार जगह है, तो क्यों ना यहाँ से देख के निकलते हैं हम। तो यहाँ जब देखा तो बहुत ही अच्छा लगा हमें, तो सोचा एक व्लॉग शूट कर लेते हैं। और ये साइड में पूरा छोटी खाटू है जो कि एकदम नीचे है, पहाड़ी से बहुत नीचे दिख रहा है और पहाड़ी काफ़ी ऊंचाई पे है। तो अभी हम आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगा। और ये छोटी खाटू है और चारों तरफ छोटी खाटू बसी हुई है और बीच में ये पहाड़ी है। तो दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो चलिए मैं आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ और पूरे गाँव के वो व्यू दिखाता हूँ कि ये गाँव कैसा है दिखने में। बहुत ही शानदार जगह है। हम रोड से छोड़ के पहाड़ी थोड़ी साइड में है तो ऊपर तक गाड़ी आती है, हमारी गाड़ी पूरी मंदिर तक आई है। बस ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ लगती है मंदिर तक जाने में, 100 या 50 पेड़ी होगी, तो इससे हम लोग ऊपर जाएंगे। आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगा, मंदिर का व्यू दिखाऊंगा और फिर गांव का व्यू दिखाता हूं आपको कि किस तरह। ये देखिए मेरे पीछे ये गाँव है पूरा। चलो मैं ये बाद में दिखाऊँगा, पहले आपको मैं पूरे अंदर ऊपर मंदिर दिखाता हूँ। इससे भी ऊपर थोड़ी पहाड़ी पर मंदिर है, तो चलिए हम चलते हैं ऊपर और मंदिर के दर्शन करा देता हूँ, उसके बाद आपको फिर पूरा नज़ारा बाहर का दिखाऊंगा। और हम लोग आए थे मातेश्वरी इंद्रबाईसा के दर्शन करने के लिए, सोचा वहाँ ब्लॉग शूट करेंगे, फिर ये अचानक से ये रास्ते में दिख गया तो हम लोग यहाँ रुके हैं अभी। अभी मैं चलिए आपको फिर वो अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सीढ़ियाँ शुरू हो चुकी है, यहाँ से हम मंदिर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ और ऊपर से भी छोटी खाटू का व्यू दिखाता हूँ आपको कैसे दिख रहा है। एकदम नीचे दिख रहा है पूरा मंदिर, काफ़ी ऊंचाई पे है, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। मंदिर छोटा सा है पर जगह बहुत शानदार है, ऊपर पहाड़ी पर है, पूरा गाँव नीचे है। ये देखिए दोस्तों ये है पूरा छोटी खाटू जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पहाड़ी के नीचे। ये देखिए घर छोटे छोटे दिख रहे हैं और चारों तरफ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ नज़र आ रही, इस तरफ भी है इस तरफ भी है। वो उधर सामने दिख रही है वो बड़ी खाटू है, वहाँ भी ऐतिहासिक चीज़ें बहुत सी है। देखते हैं हम जाएँगे या नहीं जाएँगे, अगर जाएँगे तो आपको व्लॉग मिल जाएगा, अगर नहीं जाएँगे तो कोई बात नहीं। और ये साइड का पूरा इलाका इधर आप देखिए, इस तरफ पूरा उधर छोटे छोटे गांव भी दिख रहे हैं, ये अलग अलग जो दिख रहे हैं वो पूरे गांव है। और ये गांव छोटी खाटू है और ये यहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं आपको, और पहाड़ी भी ऐसे बनी है जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, उस टाइप से ये पहाड़ी बनी हुई है। ये देखिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, इस तरफ खाटू ज़्यादा है, साइडों में कम बसी है पर इस तरफ ज़्यादा बसी है। मुझे डर लग रहा है इस तरफ जाने में पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। हम लोग उस साइड से वो रोड से निकल रहे थे, वहाँ हमें एक रोड से ये दिखाई दिया था मंदिर, तो हम लोग यहाँ चले आए। दोस्तों ये पहाड़ी पे साइड में एकदम गिरने जैसा है, देखो एकदम से खड्डा है दोस्तों, मेरे को डर लग रहा है इस तरफ जाने में। ये देखिए ये 200-300 मीटर के करीब होगा दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ऐसे दिख रहा है दिखने में, वीडियो में तो फिर भी कम लगेगा आपको, पर ये 200-300 मीटर से कम नहीं है ये पहाड़ी, और एकदम खड़ी है।
ये ऐसे ढलान की तरह वो तिरछी नहीं है जैसे और पहाड़ियाँ होती है, ऐसे तिरछी होती है ऐसे नहीं है, ये पूरी एकदम से खड़ी है ऐसे जैसे किसी ने बनाई हो, पत्थर पे पत्थर रख के बनाई हो, इस तरह लग रही है ये। ये इस तरफ भी छोटी घाटू ही है पर ये इस साइड कम है, मैन ये ज़्यादा है। और एक वो सामने भी पहाड़ की ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने कटिंग करके बनाई हो यहाँ पे, और इस पर हरियाली भी दिख रही है, वो काफ़ी दूर है शायद, यहाँ से नज़दीक नहीं है लग रही है ऐसे। और ये एक पहाड़ी पे कुछ मकान बना हुआ है पर इसकी सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ नहीं है, अब चढ़ते कैसे हैं ये समझ नहीं आ रहा है, पूरा सीधा पहाड़ को काट रखा है और ऊपर ये कमरा है, पता नहीं किस चीज़ का। उधर भी एक छोटा सा मंदिर है, पता नहीं किसका है, पता करेंगे किसका है। और ये आप पूरा खाटू देख रहे हैं, बहुत ही शानदार जगह है। अब जब भी इधर से निकले नागौर की साइड तो ये रास्ते में पड़ता है, दूर से भी दिख जाता है कि यहाँ कोई मंदिर है। हम भी ऐसे ही आए थे, हमें भी पता चला कि ये तो मातेश्वरी का मंदिर है। तो दोस्तों ये है यहाँ के पुजारी जी जो हमें बताएंगे इस मंदिर के बारे में कि यहाँ का क्या चमत्कार है, क्या विशेषता है इस मंदिर की। तो तेमान बताओ, अटके बता रहे पृथ्वीराज जी के बारे में। पृथ्वीराज जी चौहान यहाँ आता वसूल करने के लिए, कहती है बाड़ी का बार बार में दो चार बार आते हैं, और आपका घोड़ा यहाँ पाएगा में रोकता बट सामने की पाएगा हुआ, और यहाँ आता उसे जिसे बड़ा हुआ है मंदिर सब। अच्छा, उस टाइम का है। और वो सामने मकान दिख रहा है उसमें रोकते थे घोड़ा, उसको पाएगा था पहले पहाड़ हो बंदो आए। अच्छा, इसको बाद में काट के बनाया है, ये भाटा पत्थर यहाँ निकलते हैं, हाँ इसी पत्थर से बना है। ये पहाड़ी भी काफी बड़ी है, वहां तक दिख रही है ना। चलिए, तो फिर इन्होंने हमें बता दिया, इनका फोन आ गया, वो चले गए।